हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो जो लास्ट लेक्चर था सर्कल पार्ट 7, उसमें अपन ने कॉमन टेंजेंट डिस्कस किया था। तो दो टाइप का कॉमन टेंजेंट था, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो आप भी उसी का पार्ट डिस्कस करते हैं आगे इन आवर नेक्स्ट पार्ट। वो है, मैंने पहले से आपके लिए एक टेबल बनाई हुई है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे ये मैं पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, इट इज़ वेरी इजी। नाउ फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, नाउ वी आर यूजिंग द ग्रीन ग्रीन पेन हियर। दो सर्कल की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इन टू सर्कल्स। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू सर्कल्स। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट उन सर्कल्स पे कितनी पॉसिबल है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितनी है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और उसका डायग्राम किस टाइप से बनेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपन दो सर्कल्स में डिस्कस करते हैं। अवर फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हेन वन इज़ कम्प्लीटली इनसाइड अनादर, तो उसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगी जीरो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक सर्किल पहला अपना स्काई ब्लू है एंड अनादर सर्किल ब्लैक वाला है, अगर इस टाइप का है तो मैं देखो कोई भी टेंजेंट में ड्रॉ ही नहीं कर सकता। सपोज करो मैंने यहाँ से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश की, तो इसके लिए तो वो क्या हो जाएगी, कोड का काम करेगी। तो कॉमन टेंजेंट इस वाले केस में एक भी पॉसिबल नहीं होगी। टचिंग इंटरनली, तो जब दो सर्किल इंटरनली टच करेंगे तो देखो यहाँ पे एक स्काई ब्लू वाला और एक ब्लैक वाला, तो यहाँ पे दोनों टच करेंगे तो ये दोनों सर्किल, ये जो टेंजेंट है इसके एक ही साइड है, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड अवर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो एक टेंजेंट यहाँ पे, एक कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है विच इज़ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और यहाँ पे सी वन सी टू इक्वल टू आर वन माइनस आर टू होता है, ये भी आप देख लीजिए किस टाइप से होता है। जैसे ये जो ग्रीन वाली है ये विच इज़ अवर आर वन, फर्स्ट सर्किल की रेडियस है। नाउ सपोज ये जो है ये अपने पास यहाँ से लेके सेकेंड सर्किल की रेडियस जो है रेड वाली, ये आर टू है, ये जो है रेडियस ये आर टू है अपने पास, दिस रेडियस इज आर टू। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना इन दोनों के बीच, ये जो ये फर्स्ट सेंटर है अपने पास सी वन एंड दिस इज अवर सेकेंड सेंटर, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होने वाली है ये आपको दिख रहा है अभी, आर वन माइनस आर टू के इक्वल होगी, है ना। अभी तो पता चल रहा है, अगर मैंने पूरी आर वन ग्रीन वाली डिस्टेंस में से इतनी सी डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दी तो यू विल गेट सी वन सी टू। सो हियर सी वन सी टू इक्वल्स टू आर वन माइनस आर टू। तो ये आपको ध्यान रखना है, इफ टू सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली देन वी कैन ड्रॉ अ सिंगल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑन दो सर्कल्स एंड देयर डिस्टेंस बिटवीन सर्कल्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। नाउ इंटरसेक्ट, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट दैट मीन्स इंटरसेक्ट ऑन टू पॉइंट्स सम लाइक दिस। सो इन दिस केस वी कैन ड्रॉ टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सो हेयर वी हैव टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, फर्स्ट वन इज दिस। वाई वी आर कॉलिंग दिस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, बिकॉज बोथ द सर्किल्स आर प्रेजेंटेड एट सेम साइड ऑफ द टेंजेंट। सो दीज टू आर अवर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दिस इज अवर फर्स्ट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड दिस इज अवर सेकेंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सो हेयर वी कैन ड्रॉ टू कॉमन टेंजेंट्स, टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। एंड हियर सी वन सी टू, डिस्टेंस बिटवीन सी वन सी टू, सो दिस सपोज दिस इज अवर सी वन एंड दिस इज अवर सी टू। सी वन सी टू डिस्टेंस इज दिस, इट इज ऑब्वियसली लेस देन आर वन प्लस आर टू। आर वन विच विल बी, आर वन डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल। सपोज हियर वी हैव द आर वन डिस्टेंस फॉर दिस सर्किल, हियर वी हैव यहाँ से यहाँ तक आर वन की डिस्टेंस है एंड हियर इज द आर टू डिस्टेंस। सो दिस इज द आर वन डिस्टेंस एंड दिस इज वी हैव द आर टू डिस्टेंस। तो जो आर वन प्लस आर टू डिस्टेंस होगी वो ऑब्वियसली सी वन सी टू वाली डिस्टेंस से ज़्यादा बड़ी होगी, और जो आर वन माइनस आर टू वाली डिस्टेंस होगी, जो डिफरेंस होगा वो ऑब्वियसली सी वन सी टू से छोटा होगा, बिकॉज यहाँ पे इन दोनों रेडियस का जो डिफरेंस होगा ना वो सी वन सी टू, क्योंकि सी वन सी टू तो यहाँ से लेके यहाँ तक का है और फर्स्ट रेडियस ये रही आपकी फर्स्ट रेडियस, और यहाँ से सेकेंड रेडियस जो है वो है आपके पास यहाँ तक, दोनों का जो डिफरेंस होगा सी वन सी टू से छोटा होगा। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन निकल के आया है अपना, ये भी ध्यान रखना आप फॉर इंटरसेक्ट ऑफ टू सर्कल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, इफ टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली देन द केस विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज ब्लैक इज अवर फर्स्ट सर्किल एंड दिस स्काई ब्लू इज अवर सेकेंड सर्किल। सो इन दिस केस वी कैन ड्रॉ थ्री कॉमन टेंजेंट, टू ऑफ देम दिस रेड वन आर द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड दिस ग्रीन वन इज अवर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, दिस इज अवर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट।
एंड हियर सी वन इक्वस टू सी वन सी टू इक्वस टू आर वन प्लस आर टू, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस विल बी सी वन, सॉरी दिस इज अवर सी वन पॉइंट एंड दिस इज अवर सी टू पॉइंट, सो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सी वन सी टू, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है आर वन, सपोज दिस डिस्टेंस इज आर टू, सो फॉर दिस केस सी वन सी टू इक्वस टू आर वन प्लस आर टू। तो आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर है। और यहाँ पे वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम थ्री कॉमन टेंजेंट, वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम थ्री कॉमन टेंजेंट इन विच टू इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड वन इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये वाला पार्ट भी क्लियर है। नाउ वन इज कम्प्लीटली आउटसाइड अनादर, दैट मीन्स अवर केस इज दिस विच वी हैव डिस्कस्ड इन अवर लास्ट लेक्चर, ऑन विच वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सो इन दिस केस वी हैव फोर कॉमन टेंजेंट, टू ऑफ देम आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड टू ऑफ देम आर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सो इस टाइप का कुछ डायग्राम बनेगा, वो मैंने यहाँ पे ही बनाया हुआ है। सो दीज ग्रीन आर द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड दीज रेड्स आर द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सो एंड फॉर हियर सपोज दिस इज अवर द दिस इज अवर सी वन सी टू, दिस इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्किल विच इज सी वन एंड दिस इज द सेंटर ऑफ सेकेंड सर्किल विच इज सी टू। सो हियर सी वन सी टू, सी वन सी टू डिस्टेंस इज दिस, सी वन सी टू इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन आर वन प्लस आर टू। Questions comes on these concepts, so I hope this part is over clear. When we have these kind of intersection of two circles, we have total five type of category in this. In the first one there is no common tangent, but the remaining four we have. In first case we have one direct common tangent and these three, two, three and four. I hope ये explain हो गया है अच्छे से, आपको समझ भी आया है। अब इस पर based questions है तो इस पर based questions solve करते हैं। So our first question is, find range of R such so that circle S1 x minus 1 whole square plus y minus 3 whole square equals to R square and S2 this. So find the range of R, so let it small r. So we have to find the range of this small r intersect at two distinct point. Okay, so in this case we have two circles, तो ये जो case है intersecting circles का है, इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, वो आप समझ सकते हो। तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग इजी हो इसके लिए दो अलग अलग पेन से अलग अलग कलर से दो सर्कल बना दिए। फर्स्ट सर्कल ब्लैक रिप्रेजेंट द एस वन एंड द स्काई ब्लू रिप्रेजेंट एस टू सर्कल। इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है तो यहाँ से सेंटर मैं ईजीली नोट डाउन कर सकता हूँ। सो हियर द सेंटर इज 4 कॉमा माइनस 1, दिस इज द सेंटर and for this the center is 1,3. The radius of this circle is small r and here the radius is 3. So for this case we have c1 c2 is less than r1 plus r2 and greater than r1 minus r2. So for this case we have r1 minus r2. So this is the thing which we have discussed in our this part, intersection of two circles. So yahi tha yahan pe condition, to ye condition main use karunga c1 c2, that means distance between two points. तो इट विल बी रूट ओवर 1 माइनस 4 विच इज माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 प्लस 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 इज लेस देन आर वन प्लस आर टू दैट मीन्स आर प्लस 3 एंड इट विल बी आर माइनस 3। सो इट इज 5, नथिंग बट 5। और यस कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं रूट ओवर 25 की वैल्यू प्लस माइनस 5 लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत है। रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जब भी रूट ओवर एक्स स्क्वायर या ऐसा कुछ भी होगा ना तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स देता है, मतलब रूट ओवर 25 की वैल्यू ओनली 5 होगी, माइनस 5 कभी मत लिखना है यहाँ पे। जब अपने पास इस टाइप से हो इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4, इन दैट केस एक्स इक्वस टू प्लस माइनस 2, ये ट्रू है क्योंकि एक्स इक्वस टू प्लस 2 एंड माइनस 2 दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, एलएचएस इक्वस टू आरएचएस यहाँ पे होगा, पर यहाँ पे ऐसा केस नहीं होगा। रूट ओवर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू भी देगा हमेशा। जैसे आपको रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है दैट मीन्स इट इज मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, ये नेगेटिव वैल्यूज कभी देगा ही नहीं, तो ध्यान रखना ये जो कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे मैं प्लस माइनस 5 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं ओनली 5 लिखूंगा। सो थिंग इज 5 इज लेस देन आर प्लस 3 एंड ग्रेटर देन आर माइनस 3। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी सॉल्व करने में थोड़ा सा इश्यू होता है, कुछ नहीं करना आपको, इसको अलग सॉल्व कर लो और इस पार्ट को अलग सॉल्व करो। सो दिस इज आर माइनस 3 इज लेस देन 5, दैट मीन्स आर इज लेस देन 8 एंड दिस पार्ट इज
फाइव इज लेस देन आर प्लस थ्री, सो आर इज ग्रेटर देन, इन दिस केस आर इज ग्रेटर देन टू, सो द वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन टू एंड लेस देन एट. सो फॉर दिस क्वेश्चन आर बिलोंग्स टू 2 to 8. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस, फॉर द, फॉर दिस क्वेश्चन द रेंज ऑफ आर इज 2 to 8. तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, आगे चलते हैं. यस, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड सर्कल्स टू विच द लाइन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 इज अ कॉमन टेंजेंट एट 1, 2. 1, 2 पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट हो, रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 5. तो सपोज वी हैव अ पॉइंट, आवर पॉइंट इज विच इज 1, 2, सो दिस इज द 1, 2 पॉइंट. फाइंड द सर्कल विच एट द लाइन 4x प्लस इज अ कॉमन टेंजेंट. दिस लाइन इज अ कॉमन टेंजेंट फॉर द सर्कल. सो सपोज दिस इज आवर लाइन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 10. इट इज द लाइन. नाउ दिस शुड बी द कॉमन टेंजेंट फॉर द सर्कल्स विच आर हैविंग द रेडियस 5. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वॉट वी हैव टू डू, सपोज अवर फर्स्ट सर्कल इज दिस 5 रेडियस वाला सर्कल, फर्स्ट जो है वो इस टाइप से जनरेट हो रहा है एंड अनदर सर्कल इज जनरेटिंग लाइक दिस. ये दूसरा सर्कल है, दोनों की रेडियस 5 है, 1, 2. यही तो केस पॉसिबल है, और कोई केस पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक पॉइंट दिया हुआ है ना, एक पॉइंट है 1, 2, वहीं पे जो दोनों सर्कल जब वहां पे टच करेंगे वहीं से एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पास हो सकती है. यस सॉरी, इट इज अ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. तो वहीं से तो एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पास हो सकती है, तो यही वाला केस पॉसिबल होगा ओनली. अब देखो ये जो है ना, दिस इज अवर पॉइंट सर्कल केस. अब जो पॉइंट सर्कल केस है उसमें क्या होता है, अब यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, सपोज करो दिस इज अवर पॉइंट विच इज 1, 2. तो 1, 2 पॉइंट की जो इक्वेशन हो जाएगी विच इज x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, बस यही होगी, रेडियस तो 0 होगी, प्लस लेमडा है ना. वी आर यूजिंग s प्लस लेमडा l इक्वल टू 0 फैमिली ऑफ सर्किल. द वैल्यू ऑफ l विच इज 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0. ठीक है, तो इस पॉइंट से ये इस पॉइंट सर्किल से पास होंगे और इस लाइन को इंटरसेक्ट करके जाएंगे, उन सर्कल्स की इक्वेशन क्या होने वाली है, ये होने वाली है. नाउ यही इन दोनों सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब अगर ये इन दोनों सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्वेश्चन में अपन को गिवन है द रेडियस ऑफ दीज सर्कल्स इज 5. सो रेडियस क्या हो जाती है, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही होती है रेडियस की वैल्यू. तो आपको इस इक्वेशन को एक्सपांड करना है और इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है. वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये जनरल फॉर्म होती है, इसको मैं इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ ना ओपन करने के बाद. यहाँ से जो रेडियस होती है वो होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट ओवर. तो वो 25 दिया हुआ है आपको, तो उसका स्क्वायर करते हैं, इट विल बी 25. अब देखो इस फॉर्म में चेंज जब ये इक्वेशन होगी तो आप वहाँ से जी फाइंड आउट कर सकते हो ना, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन 2, एफ विल बी कोफिशियंट ऑफ वाई अपॉन 2, तो वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेना. और जो सी होगा वो कॉन्स्टेंट टर्म होगा, वो ये तीनों वैल्यूज जो है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लेमडा, लेमडा के फॉर्म में होंगे. सो इट विल जनरेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ लेमडा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ लेमडा विच विल प्रोवाइड टू वैल्यूज ऑफ लेमडा. फॉर वन वैल्यू वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल एंड फॉर द अनदर वैल्यू वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल. सो आई होप मैंने जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वो समझा दिया है. जो रिमेनिंग है वो कैलकुलेशन पार्ट है पूरा, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो. तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, आगे चलते हैं. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नेचर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एस वन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0. इसका जो सेंटर होगा वो हो जाएगा 3, 0, और इस वाले जो सर्कल का सेंटर हो जाएगा इट विल बी माइनस 1, 0. तो ये जो दोनों होंगे सेंटर सी एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड होंगे. तो और देखो इसकी जो रेडियस होगी ना, इसकी जो रेडियस होगी वो यहाँ पे 3 हो जाएगी और इसकी रेडियस 1 हो जाएगी. तो ये दोनों टच करने वाले सर्किल हैं, दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं यहाँ पे. तो इसका जो डायग्राम बनेगा, अगर आपने डायग्राम बना लिया दैट मीन्स यू हैव सॉल्व 90% ऑफ द क्वेश्चन. तो मैं पहले डायग्राम जनरेट कर देता हूँ इसका, किस टाइप से डायग्राम बनने वाला है. यस, तो जो डायग्राम होगा वो कुछ इस टाइप से होगा.
देखिए वी हैव टू सर्कल्स, दो सर्किल आपको गिवन थे, तो जो फर्स्ट सर्किल है यहाँ पे, फॉर द फर्स्ट सर्किल, तो जो गिवन सर्किल है वो मैं इक्वेशन यहाँ पे देख लो, वो लिखी हुई है S1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0 एंड अवर S2 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0। सपोज ये जो स्काई ब्लू वाला है ये S1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो सेंटर ये 0,0 से पास होगा और जो सेंटर है वो 3,0 होगा, वो इस टाइप का सर्किल बनेगा। दूसरा जो सर्किल है इसका जो सेंटर है -1,0 है और रेडियस 1 है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट ओवर से आप फाइंड आउट कर सकते हो, रेडियस 1 ही आएगी। ये वाला जो सर्कल है ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये जो रेड वाला है ये दूसरा सर्किल है, ये S2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके नाउ कॉमन टेंजेंट, अगर दो सर्किल अगर टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली, देन वी कैन ड्रॉ थ्री टेंजेंट्स, थ्री कॉमन टेंजेंट टू दैम, दीज आर द दीज टू आर द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड दिस वन इज द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो वही तो किया मैंने यहाँ पे, पहली जो है ये यहाँ पे ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है फर्स्ट वाली, और ये जो AC वाली लाइन है ये जो सेकेंड वाली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये इसको टच करेगा यहाँ पे, और जो तीसरी वाली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, सो दिस इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड दिस इज द अनदर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड दिस इज अवर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट फॉर दीज टू सर्कल्स। अब देखो ये जो तीनों कॉमन टेंजेंट ने जो ट्राइंगल बताया ना, ये उसका नेचर पूछ रहा है आपसे। सो ये जो पूरी अपने पास वाई एक्सिस है ना, इट इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ कॉमन टेंजेंट टू फॉर बोथ द सर्कल्स। तो ये जो ट्राइंगल बना आपके पास, ये देखो मैंने यहाँ पे इस ट्राइंगल को नेम भी दे दिया है ABC, इसके बारे में पूछ रहा है ये, वॉट इज द नेचर ऑफ दिस ट्राइंगल। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे को ये वाली लेंथ पता है वन, द लेंथ ऑफ AC इक्वल्स टू वन, सपोज करो ये एंगल मेरे पास थीटा है, तो देखो मैं इसमें कर क्या सकता हूँ, मैं यहाँ पे बस डिस्टेंस ही तो यूज़ कर सकता हूँ ना। मैंने ये वाला एंगल थीटा सपोज कर लिया है और ये दोनों एंगल थेम होते हैं, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। मेरे पास यहाँ पे C1 A की वैल्यू है, ये यहाँ से ये A पॉइंट से C1 तक की डिस्टेंस पूरी, वो मेरे पास किसके ब्रेकेज की फॉर्म में है, या तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, मैं पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ C1 A की वैल्यू, या तो मैंने C2 A तक की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू विच इज C2A। अब ये जो C2A है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, ये जो ग्रीन वाला मैं पेन है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, और C1 C2 भी तो है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे क्या किया प्लस C1 C2, तो C1A इक्वल्स टू C2A प्लस C1 C2, क्योंकि ये डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे जो ग्रीन वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपके पास, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यहाँ से थीटा के जिस सामने परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, और 90 डिग्री के जिस सामने क्या होता है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे जो ए हाइपोटेन्यूस कितनी है AC2, सो द वैल्यू ऑफ AC2 विल बी कॉसेक थीटा। ठीक है, तो जो AC2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कॉसेक थीटा। सिमिलरली ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है ना अपने पास, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे भी मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, साइन थीटा फॉर दिस ट्राइंगल, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल बना वो भी थीटा के जस्ट सामने क्या है परपेंडिकुलर 3, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनियस है वो है AC1, AC1, सो हियर AC1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 cosec थीटा। सो AC1 भी आपने फाइंड आउट कर लिया, वो है 3 cosec थीटा। C2A आपने फाइंड आउट कर लिया विच इज cosec थीटा प्लस C1 C2। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तो 3 है, ये रेडियस 3 है और ये रेडियस कितनी हो जाएगी 1, ये 1 और ये 3, दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 हो जाएगी, या फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, बट इट इज़ क्लियरली विजिबल द डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 इज 4। नाउ ये कोसेक थीटा इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, इट विल बी 2 cosec थीटा, सो द कोसेक वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इज 2, सो अवर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे अपन, तो ये जो एंगल है आपके पास, नाउ क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे ये दोनों पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल कितना हो गया यहाँ पे, ये पूरा एंगल बिलोंग करेगा 60 डिग्री।
अब अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो देखो ये भी तो 90 डिग्री होता है ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है और ये 30 है तो दिस एंगल इज़ नथिंग बट 60 डिग्री। ठीक है, मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, ये जो अपने पास ये ट्राइंगल बना, इसमें ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होता है ना। अब ये देखो ये खुद 30 था, ये 90 है, तो ये अपने आप कितना हो गया 60। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा 60। तो ये सी वाला एंगल भी 60, बी वाला एंगल भी 60 और ए वाला एंगल भी 60, बिकॉज अपन को तो ट्राइंगल ए बी सी की टेंडेंसी बतानी है। सो ओवर ए बी सी ट्राइंगल इज इक्वलेटरल ट्राइंगल, है ना, तीनों एंगल सेम हो गए, दैट मीन्स इक्वलेटरल ट्राइंगल। सो ए बी सी इज अ इक्वलेटरल ट्राइंगल। तो आई होप इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा। सो नाउ यू आर एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बस आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है और कुछ मत यूज़ करना है इसमें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।